दिनों मणिपुर में बड़ी ही एक निंदनीय घटना घटी है, जो रूपे हमारे जो इंसानियत को शर्मसार करने वाली घटना है वो मणिपुर में घटी है। उसी के विरोध को लेकर आज ये कांग्रेस पार्टी यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है। आप लोगों ने देखा कि किस प्रकार वहाँ पे जो दो लेडीज हैं उनको देखो किस प्रकार ये सोशल मीडिया पे भी वायरल हो रहा है कि जो दो स्त्रियों को नंगल अवस्था में घुमाया जा रहा है और 10-20 लोग उनको लेके तो उनको घुमा रहे हैं और पीटा जा रहा है। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि हम किस देश में रहते हैं यहाँ पे इस प्रकार के कृत्य किए जा रहे हैं और सरकार अभी तक एक इस बात पे कोई बयान नहीं दे रही और सरकार की चुप्पी। 2 महीने से मणिपुर चल रहा है, 2-2.5 महीने से वहां पे 100 के करीब लोग मर चुके हैं, लेकिन सरकार इतनी गहरी नींद में सोई हुई है कि सरकार ने वहां कोई कार्रवाई नहीं की और ना ही कोई उस पर टिप्पणी की कि क्यों इस प्रकार की घटनाएं जो है हमारे देश में घटित की जा रही है कि स्त्रियों को जो अब नंगल अवस्था में घुमाया जा रहा है। ये नारा दिया जाता था कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आज तो ये प्रश्न खड़ा होता है कि बेटी किससे बचाओ, ये कौन सा बेटी बचाओ का नारा था? क्या भाजपा से बेटी बचाओ या भाजपा शासित राज्यों में बेटी को बचाओ? ये प्रश्न हम भाजपा से पूछना चाहते हैं कि ये नारा आपने किस लिए दिया था, वाकई में बेटियों को धृंदों से बचाने के लिए या सिर्फ भाजपा के धृंदों से बचाना पड़ेगा? आज इस तरह से हालात बन चुके हैं, आपने देखा किस प्रकार पिछले दिनों ब्रिजभूषण ने भी यही कृत्य पे उनपे भी पूरे देश में टिप्पणी हुई, लेकिन ये सरकार चुप्पी साध के बैठी हुई थी और दिल्ली पुलिस ने भी जो था ये कहा कि उसने वाकई वो कृत्य किया था। और ये जो कल ही घटना घटी है कि 2 महिलाओं को नंगल अवस्था में घुमाया गया, ये भी जो है सारे लोगों ने देखा। मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या इस प्रकार के देश की, इस प्रकार के हिंदू राष्ट्र की हम कामना करते हैं कि इस प्रकार का हिंदू राष्ट्र बनाएंगे? ये हमें नहीं चाहिए इस प्रकार का। हमें सेकुलर देश मिला था, हमने हमारे यहाँ पे सभी ने बलिदान दे के देश को आजादी दी थी, हमें वही देश चाहिए। अगर नारी का अपमान किया जाएगा ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हमारे सारे तमाम हिंदू सभी संगठनों में सभी लोगों में रोष है इस घटना को लेके, लेकिन एक सरकार केवल ऐसी है जिसने कोई बयानबाजी नहीं। मणिपुर को 2 महीने से चलाया जा रहा है, लेकिन सरकार के जो हमारे प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी को फ्रांस में जाने के लिए व्यस्त हैं, कभी किसी देश में जाने के लिए व्यस्त है, आप मणिपुर में क्यों नहीं जाते? मैं कहना चाहता हूं मीडिया के माध्यम से कि प्रधानमंत्री जी को और हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी को नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि इससे निचले स्तर की घटना मैं नहीं समझता कि अब हो सकती है। यह सबसे निचले स्तर की घटना हमारे देश में होगी है। आपने देखा होगा महाभारत में भी जब भगवान कृष्ण ने ये विषम पितामह जी को और द्रोणाचार्य जी को मारा था, उन्होंने कहा था हमारी क्या गलती है, उन्होंने कहा था आपकी कोई गलती नहीं है, लेकिन जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था आप लोगों ने सहन किया था, आप लोगों ने आवाज नहीं उठाई थी। मैं जनता से भी ये कहना चाहता हूँ कि आइए और इन नारियों की आवाज बनिए, नहीं तो ऐसा ना हो कि महाभारत की तरह जैसे कृष्ण भगवान ने उस समय उन लोगों को भी दोषी ठहराया था जिन्होंने ये बर्दाश्त किया था, कल को हमें ऐसा ना हो कि भगवान की नजरों में भी हमें दोषी माना जाए कि हम दोषी हैं कि जिन्होंने आवाज नहीं उठाई। इसलिए कांग्रेस पार्टी इसका पुरजोर विरोध करेगी और आने वाले समय में नरेंद्र मोदी का और अमित शाह का पुतला जलाया जाएगा। जो ये कर सकते हैं कर ले, अब कांग्रेस पार्टी चुप बैठने वाली नहीं है। जितनी एजेंसियां लगानी है, जितने लोग हमारे पीछे लगाने हैं लगा दो, लेकिन हम अपने लोगों के साथ खड़े होंगे, ये हमारी चेतावनी है। जो अमित शाह कर सकता है कर ले, जो जितेंद्र सिंह करना चाहता है कर ले, नरेंद्र मोदी को भी चेतावनी है नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे दे, नहीं तो जनता आने वाले दिनों में वो जोड़ा पै कर चुकी है। मुख्य एजेंडा जरा जो है कि मणिपुर पिछले दिनों कल जी घटना घटी और जी लेडी नंगा करके फेरिया गया, मैं समझता कि ऐसी शर्मनाक घटना हिंदुस्तान के अंदर कदे भी पहले नहीं हुई, क्योंकि इन्ना वाला डेमोक्रेटिक मुल्क जोड़ा है जिथे हर बंद जीण का हक है रहन का हक है, उतें अगर ऐसी घटनावान घटदी तो प्राइम मिनिस्टर जोड़ा वो एक बार लफड़ी भी नहीं बोलता इसके उपर, वो ना कोई जुबा बयान दिता, जबकि सारिया पार्टियां बोल रही कि प्राइम मिनिस्टर साहब जनाब कोई बयान देन, जनाब कोई बोलन, ना कोई गल की है, और उल्टा बस असं उत्थे आर्मी लगा रहे हैं, असं उत्थे इस तरह कर रहे हैं, बंदे भेज रहे हैं और स्टेट जी जल रही है, और मेरे लगता है कि इनका प्लैन उ है कि ये भारत में पूरे हिंदुस्तान चग लाना चाहते हैं और जगह जगह दंगे होने उदे चीरों खुशी मिलती है और उसके नाल ही इनकी सरकार बजती है। मैं समझता ऐसा करने नाल हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी जी खतरे च है और आने वाला टाइम जोड़ा जो सा नौजवान जो सा यंग लोग जो इसलिए नौजवान होंगे पे इतने एक तो इन्नी जबरदस्त तरीके प्लैनिंग की गई है, अनइंप्लायमेंट जी इतनी बढ़ गई है
40% तक अनइंप्लॉयमेंट पुज गई है। पुराने वाला टाइम मुझे लगता नहीं कि इतने ये जी घटना घटी है, ये दो समुदाय घटी है, लेकिन ऐसा ना हो कि इतने हिंदुस्तान के ग्रह युद्ध हो, लोग आपस ही लड़ पैन, क्योंकि जेडे इन लोगों ने हालात पैदा किए थे कोई अच्छे हालात नहीं है। मैं चाहता जो हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री है वो इस गल पर ध्यान दे कि जो मणिपुर घटना घटी उन्हें उसके ऊपर कह गल की है ना, उन्हें यदि निंदा की है तो ना उन्हें पर गल की है। इस करके मैं नैतिकता आधार पर मैं चाहूँगा कि जी हिंदुस्तान की सरकार है, खास करके हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री, इसलिए पार्लीमेंट भी लगी है, उत्थे भी वो जवाब नहीं दे रहा। इन्होंने लोगों को रिजाइन करना चाहिए और लोगों को इस गल की तसली होए कि सरकार निकम्मी सरकार निकली है और आने वाले टाइम च ऐसी सरकार भ्रष्ट सरकार द्वारा हिंदुस्तान च ना बने। तो आज हम कांग्रेस पार्टी की तरफ से आज हमने जो अपने पत्रकार बंधुओं को बुलाया है, जो मणिपुर की घटना हुई है, जैसे कि पूरे देश ने देखा है कि वहाँ पे हमारी दो बहनों के साथ क्या किया गया है। ये जहाँ तक मेरा मानना है या सबका यही मानना है कि बहुत ही निंदनीय है, इस घटना की जितनी निंदा की जाए, जितने कड़े शब्दों में निंदा की जाए उतना कम होगा। आज जो देश में माहौल बन चुका है, एक संप्रदाय दूसरे संप्रदाय से लड़ रहा है, जो हमारे देश में ये पहले कभी नहीं था। आज किसी जो मेन मुद्दे हैं महंगाई बेरोजगारी, उस पे से जनता का ध्यान भटकाने के लिए कि जनता डाइवर्ट हो जाए, ऐसे जानबूझ के क्रिएट किए जाते हैं कि हिंदू मुस्लिम का हो गया या ये जो दो समुदाय कोई भी जाति वगैरह वो सब करके कि लोग इन्हीं में उलझे रहे और इनकी बीजेपी सरकार से जो मेन मुद्दे हमारी जो महंगाई बेरोजगारी उस पर कोई बात ना करे। और हम ये कांग्रेस पार्टी के माध्यम से हम ये सभी जो भारत सरकार है उससे आग्रह करते हैं मणिपुर सरकार से कि जो ये मणिपुर की घटना है इसमें निष्पक्ष जांच हो, जो दोषी हो उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। कांग्रेस पार्टी जो हमारी जो बहनें जिनके साथ ये घटना हुई है, हम उनके साथ पुरजोर तरीके से का उनके परिवार का समर्थन, उनके हक में खड़े और जो दोषी है उनका पुरजोर तरीके से विरोध करते हैं।